अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अपना हास फजल करम और रहम मेरे बहन भाइयों पे बनाए रखे। आज है जी माजद की बर्थडे और हम जरा उल्टा चल रहे हैं, गिफ्ट हम पहले खोल रहे हैं और बाकी सारा कुछ हम बाद में करेंगे। गिफ्ट भी हम कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, ये रेंडम थी, मैं साथ शॉपिंग करती रहती हूँ, वही मैंने आज गिफ्ट बना दिया बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे है लॉकडाउन और बच्चों की जिद थी कि आज ही हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो हम ना और माँ इकट्ठी बर्थडे है, एक दो दिन का डिफरेंस था तो हमने इकट्ठा ही कर दिया है ये सारा। और ये इनके गिफ्ट्स हैं, अब ये पहले अपने गिफ्ट्स देख लेंगे कि हैं क्या, तो फिर हम करते हैं जी केक कट। बल्कि पहले इन्होंने खाना है पिज्ज़ा, इनको लगी है शदीद भूख। और मेन्यू हमारा सेम ही है मीरा की बर्थडे वाला। हाँ, केक इस दफ़ा मैंने खुद नहीं बनाया, तो क्योंकि अचानक से सारा कुछ ये हुआ है। मेरा तो इरादा था कि मैं बाद में बाकायदा पार्टी करूंगी, लेकिन इन्होंने बोला नहीं जी, हमने अपने डे पे ही सब कुछ करना है। तो ये हैं जी माँ साहब, बड़े तैयार श्यार होकर बूटी रोके बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। और ये ऊपर है ये कार्ड जो कि हमना और मीरम ने बनाया है, एक दो दिन लगाए हैं, शायद छुप छुप के बनाया है, मुझे भी नहीं पता था क्या कह रही है। तो ये मार्च के लिए उन्होंने बनाया है जी। और बाकी ये कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं जो हमने पहले से ही साथ साथ में स्पेशली मतलब नहीं लिए, पहले से बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके रखा होता है, तो वही सारा कुछ है। ये मीरम ने कुछ स्पेशल बनाया हुआ है आप ही के लिए खुद, जो ये कोई पेंटिंगे शेंटिंगे ड्राइंग ट्राइंग करती रहती हैं, तो वो उसने कुछ स्पेशल बनाया। ओके, क्या बनाया दिखाओ। हाँ जी, लाइक पेंसिल बॉक्स उसने फोल्डर बनाया है और उसमें वो सारी चीज। वाह, ये सारा कुछ मीरम ने बना के और उसके अंदर ये सारी चीजें उसने फिक्स की हैं। वाह, मैंने भी नहीं देखा। ओह माँ साहब हर चीज निकालने के हुए में ये मीरम ने बनाया है। वाह जबरदस्त। इस तरफ ये डायरी और ये पेंसिल्स, ये सारा कुछ ही मीरम ने बनाया। ओके, और माँ साहब जो है वो धमाल मचाने को तैयार है। माज और माज साहब जो है वो सही अपनी चौधराहट दिखा रहे हैं। ये माज के लिए जी कार्ड शार्ड इन्होंने ढेर कुछ बनाए हुए हैं। ये जी हमना मीरम ने बनाया माज के लिए कार्ड और ये भी कुछ पार्सल वार्सल क्या कुछ बनाया हुए इन्होंने। और ये मीरम ने बनाए हैं। ओके, इन्होंने ग्रीक में लिखा हुआ है जी रोया पोला मास, मतलब ये के हैप्पी बर्थडे। और एक ये भी मीरम ने बनाई है पेंटिंग मास के लिए, केक बनाया ये केक है मीरम जी। ओके जी, एक मास साहब की जर्सी है जो मैं लेके आई थी, जो कि अब हमने इसको बर्थडे पे गिफ्ट कर दी है। और एक ये सूट है जी मास का, जो उसके कजन ने उसको दिया था, तो बर्थडे से पहले भेजा था, लेकिन हमने उसकी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मास की फर्स्ट बर्थडे है जी और हमना की टेंथ है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मास की फर्स्ट बर्थडे है जी और हमना की टेंथ है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मास की फर्स्ट बर्थडे है जी और हमना की टेंथ है। चलो जी, अब हम ना के लिए जाएंगे राधा से। हाथ रोमालिया।
हैप्पी बर्थडे हमना के माज भैया पोला माज खुद को विश कर रहा है हैप्पी बर्थडे क्लैपिंग कर रहा है माज क्लैपिंग क्लैपिंग सारे क्लैपिंग कर और फिर बंद कर नहीं ये तो खा रहे थे कस्टमर दे आज जी पार्टी लॉकडाउन है तो पार्टी हमने तो करनी कोई नहीं थी अभी सोचा था कुछ ग्रैंड पार्टी करेंगे मास की लेकिन हम ना आने और ये जिरगा बैठा बच्चों का उन्होंने डिसाइड किया जी हमने अभी करनी है और अभी का मतलब और हम ना सब अपने गिफ्ट खोल रही हैं। मैंने पहले बोला था मैं रैंडम सी चीजें जो साथ साथ लेके रखती रहती हूँ बस आज मैं इसको उसकी जिद पे वही पैक कर ली स्पेशल कुछ नहीं लेके आई हूँ। ये क्या है ये पिंस है लाइक ब्रोच यहाँ पे ग्लासेस नीरव ने लगा ली हैं और ये आप के गिफ्ट्स हैं ये जी बैग है बैग पैक हम ना पसंद आया आपको ये सब हम ना के लिए सरप्राइज ही है क्योंकि मैं जब लाती हूँ तो फिर इनके सामने नहीं लाती वरना फिर अन्नी पड़ जाती ये क्या है ये लाइट्स हैं जी हम ना के रूम की ये छोटी लाइट्स मैंने लेके रखी हुई थी ये क्या है ये अन्ना की फरमाइश थी और कब से इस पे नजर थी हालांकि मैंने वैसे ही लाग रखा हुआ था कि कहीं किसी के अचानक से बर्थडे आ जाती है स्पेशली मेरे की क्लास फेलोज की तो उनके लिए और हमना की काफी देर से नजर थी तो मैंने कहा चलो जी हमना खुश हो जाए और हमना की शक्ल अब देखने वाली थैंक यू बाबा को बोला मुझे बोला अच्छा जी आई होप आपको मेरे आज की ये छोटी सी वीडियो भी पसंद आई होगी मेरे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा बल्कि सबके बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान और सलामती के साथ रखे और ईमान के साथ रखे तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी दुआ में याद रखिएगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अल्लाह हाफिज़।